अभी हम दोनों जी तो पास में लो के अंदर अच्छा चेयर ले लो, पास में अगर दिक्कत हो रही तो ठीक है ना। इनका जो है हैमी हेमेट जो जॉइंट रिप्लेसमेंट हुआ है, पीआईपी जो जॉइंट इनका जो है काफ़ी ज़्यादा बॉल्स की हिट से डैमेज हो गया था, तो इन्होंने 3 महीने के बाद में डॉक्टर अमित मित्तल सर से जो है ऑपरेशन करवाया। अब इनका जो है रिप्लेसमेंट हो गया है इस पीआईपी जो जॉइंट का। अभी पीआईपी जॉइंट का रिप्लेसमेंट होने के बाद में जो इनकी एक्सरसाइज करनी है वो इनकी एक्सरसाइज इस तरीके से है, पहले जो है पूरा एमसीपी जो जॉइंट है वो पूरा उनका जो है बैंड हो जाएगा फुल्ली, और फिर फुल्ली बैंड होने के बाद में जो ये दोनों जॉइंट के बीच में इस बोन पर आपको थंब को प्लेसमेंट ऐसा करना है, और फिर ऊपर से जो प्लेसमेंट है वो ऐसा करना है, ठीक है, पीआईपी जॉइंट के लिए। इससे क्या है कि हल्का हल्का प्रेशर के साथ में इनको जो है ये ऐसा बेंडिंग के लिए करना है, ठीक है, 10 सेकेंड तक। जितना जितना ज़रूरी बेंडिंग होता है उतना ही ज़रूरी होता है आपका स्ट्रेट करना। तो स्ट्रेट करने के लिए आपको यहाँ थंब प्लेसमेंट करना है और दूसरी फिंगर जो है आपको ऊपर रखनी है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। मतलब दोनों बोन्स के बीच में जो पीआईपी जो जॉइंट है उसको आपको स्ट्रेट करना है, वही 10 सेकेंड तक स्ट्रेस फील होगा पेशेंट को और फिर हल्का सा रिलीज, ठीक है। जब ये जॉइंट इसका ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ से इनका थोड़ा सा जो है इसका हमने बोन लिया था, ठीक है, ये बोन लिया है यहाँ से, ठीक है ना। ये बोन लेने के बाद में थोड़ा सा फिंगर की जो है स्टिफनेस आ गई है, तो उसके लिए भी हमने इनको जो एक्सरसाइज बता दी है एमसीपी जॉइंट के लिए, पीआईपी जॉइंट के लिए और डीआईपी जॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये जो फिजियोथेरेपी जो हुई है पीआईपी जो जॉइंट ऑफ द हैमी हेमेट जॉइंट। थैंक यू।